हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यूर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग अपना एक्स डी बूस्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करने वाले लास्ट वीडियो में हमने एक्स डी बूस्ट का बहुत डिटेल्ड इंट्रोडक्शन लिया था जहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की थी कि क्या क्या छोटे छोटे पार्ट्स हैं एक्स डी बूस्ट के अंदर अब हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत सिंपल डेडिकेटेड टॉपिक कवर करेंगे कि बूस्ट रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है ठीक है तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वाल्व है वो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मैंने प्लान किया एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के छोटा सा डेटा सेट लेकर के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि बूस्ट रिग्रेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है ठीक है बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल में हम लोग इस वीडियो में नहीं घुसेंगे बिकॉज फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा सो so, मैंने प्लान किया है कि जो भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे सो या दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो so गाइज हम लोग एक्सजी बूस्ट फॉर रिग्रेशन समझने के लिए एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे स्टेटमेंट uh, so क्या है वो आपको मैं एक बार बताता हूँ हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है जहाँ पर हमारे पास चार स्टूडेंट्स का डेटा है डेटा क्या है हमारे पास इनपुट में हमारे पास उन बच्चों का सी जी पी है और आउटपुट में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि उनका पैकेज कितने का लगा इन एल पी ए लैक्स पर एनम ठीक है का अगर सीजीपीए था तो फोर पॉइंट फाइव का लगा नाइन पॉइंट जीरो का था तो इलेवन का लगा एंड सो ऑन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसी डेटा का स्कैटर प्लॉट है यहां पर see, है पर यू कैन सी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पैकेज है ठीक है तो यू कैन सी थोड़ा सा नॉन लीनियर टाइप का डेटा है और हमें क्या करना है हमें इस डेटा के ऊपर रिग्रेशन अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सजी बूस्ट हमारा गोल है कि कल को मेरे पास अगर कोई नया स्टूडेंट आता है और वो मुझे अपना सी जी पी ए बताता है तो मैं अपने एक्सजी बूस्ट मॉडल से पूछ करके प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि उसका पैकेज कितने का होना चाहिए ठीक है तो क्लियरली इट्स अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ एक ही फीचर है और उसी के हेल्प से हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले बट इस सिंपल से एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि एक्सजी बूस्ट कैसे काम करता है रिग्रेशन की सेटिंग में सो so चलो चलोगाइज Uh, इस रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि एक्सजी बूस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है तो आगे बढ़ने के पहले एक चीज आपको बस मैं बताना चाहूंगा कि भले ही एक्सजी बूस्ट में पचास तरह के ऑप्टिमाइजेशन यूज किए गए हों बोथ फॉर परफॉर्मेंस एंड स्पीड जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा भी अगर आप एसेंशियली बात करो ना तो एक्सजी बूस्ट होता तो ग्रेडियंट बूस्टिंग ही है उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से ग्रेडियंट बूस्टिंग एक रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है काफी कुछ एक्सजी बूस्ट सेम तरीका ही इस्तेमाल करता है बस छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं तो पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा एक्सजी बूस्ट सो हमें क्या करना है हमें सी देख करके पैकेज का प्रोडिक्शन करना है दिस इज लाइक अ प्रॉब्लम जहां पे हमारे पास एक फीचर है अब अगर आपको ग्रेडियंट बूस्टिंग याद होगा जो आपने इसके पहले पढ़ा तो वहां पे हम क्या करते थे सबसे पहले कि हम लोग एक बेस एक एस्टिमेटर से स्टार्ट करते थे जो कि जनरली होता था मीन सो स्टेज वन में क्या हुआ कि हमसे किसी ने पूछा कि बताओ वुड बी दैकेज ऑफ ए न्यू स्टूडेंट तो हम विदाउट इवन चेकिंग दीजीपी सीधे सीधे क्या बोल सकते मीन ऑफ दीज फोर स्टूडेंट ठीक है जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इन स्टूडेंट का जो पैकेज का मीन है इट इज समेर अराउंड सेवन पॉइंट फाइव यहाँ पर आपको रेड लाइन यही दिखा रही है तो स्टेज वन में हमारा जो प्रिडिक्शन है दट इज सेवन पॉइंट फाइव कोई भी हमसे पूछेगा कि बताओ ये नया स्टूडेंट है इसका सी जी पी ए फोर पॉइंट वन है बताओ इसका पैकेज कितने का होगा हम बोलेंगे सेवन पॉइंट फाइव बेसिकली इस स्टेज पे हमारा जो प्रिडिक्शन है वो हमारे इनपुट फीचर पे डिपेंड ही नहीं करता ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है गलतियाँ होंगी और वही है गलतियां जो आप यहाँ पे रेजिड्यूल पे दिखा सकते हो लाइक दिस इज द एरर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टूडेंट

उसके अगले वाले के लिए वन पॉइंट फाइव और इसके लिए होगा पॉइंट फाइव ठीक है यहाँ पे माइनस होगा और यहां पे भी माइनस होगा ठीक है क्योंकि थोड़ा कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर है थोड़ा कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में एरर है अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है अब आप मूव करते हो स्टेज टू पे स्टेज टू में आप क्या करते हो कि आप एक डिसीजन ट्री ट्रेन करते हो यू ट्रेन अ डिसीजन ट्री बट आप डिसीजन ट्री जो ट्रेन करते हो वो आप इस डेटा पे करते हो आप इनपुट लेते हो सी को और आप आउटपुट लेते हो इस रेजिडुअल को सो so बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हो आप विद द हेल्प ऑफ इनपुट डेटा आप इस ब्लैक लाइन को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो आप इस ब्लैक लाइन को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो ठीक है तो हुआ क्या कि सेकेंड स्टेज में आपने एक डिसीजन ट्री एड कर दिया और डिसीजन ट्री के हेल्प से यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट दिस एरर ऑब्वियसली एज इट इज तो प्रिडिक्शन नहीं हो पाएगा बट हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर लेंगे मतलब ये लाइन हो सकता है ये जो मेन लाइन है इस पॉइंट के लिए उठ के यहाँ आ जाए इस पॉइंट के लिए उठ के यहाँ आ जाए इस पॉइंट के लिए उठ के यहाँ आ जाए और इस पॉइंट के लिए उठ के यहाँ आ जाए और अगर आप इसको अब जोड़ दो तो अब धीरे धीरे ये आपका रिग्रेशन लाइन थी हमारा मॉडल अब ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा सेकेंड स्टेज पे कंबाइंड मॉडल है स्टेज वन प्लस स्टेज टू ठीक है ऑल्सो यहाँ पर आप एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हो ये सब आपने पढ़ रखा है ग्रेडियंट बूस्टिंग में फिर आप क्या करते हो फिर से ये जो ब्लू कलर का जो हमारा मॉडल आया हम इसका गलती प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं मतलब इसका गलती पहले निकालते हैं रेजिडुअल तो ये रही वो गलती ये रही वो गलती ये ये रही वो गलती आई एम सॉरी मैंने थोड़ा गलत किया ये रहा फर्स्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रहा सेकंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रहा थर्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में और ये छोटी सी गलती रही फोर्थ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं फिर से एक और स्टेज थ्री में डिसीजन ट्री बनाऊंगा और इस बार ये डिसीजन ट्री जो बनेगा वो फिर से मेरे इनपुट कॉलम और ये जो नई गलतियां हैं इनको प्रिडिक्ट करने के लिए बनेगा ठीक है और फिर हम इसको भी रिड्यूस कर देंगे ये वाला कर्व उठ करके थोड़ा ऊपर आ जाएगा ये वाला थोड़ा नीचे चला जाएगा ये वाला थोड़ा नीचे चला जाएगा ये वाला थोड़ा ऊपर चला, चला जाएगा तो नाउ यू कैन सी धीरे धीरे हम ये जो हमारा डेटा है इसको ऐसे मैप कर पा रहे हैं। अगर हम और खूब सारे डिसीजन पर भी obviously हम एक learning rate से multiply करेंगे। इस तरीके से आप स्टेजेस में और ऐड करते जाते हो, ठीक है? तो दैट इज हाउ यू डू रिग्रेशन विद्पऑफ बूस्टिंग आई गेस ये रिविजन आपको याद आ गया कि ग्रेडियन बूस्टिंग कैसे काम करता है बूस्ट भी बिल्कुल सेम काम करेगा इट विल स्टार्ट बेस मॉडल विच विल बी मीन एंड देन स्टेज वाइज फैशन में डिसीजन ट्रीज ऐड करता जाएगा और हर डिसीजन ट्री के आउटपुट को मीन में जोड़ता डिस एंड इज हाउ आप रिग्रेशन uh, का टास्क परफॉर्म करते हो देर इज ओनली वन मेजर डिफरेंस मतलब ऐसे तो डिफरेंसेस बहुत सारे हैं बिकॉज सॉरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत सारे हैं बट एक जो मेजर ट्विस्ट है एक्जी बूस्ट में वो ये है कि एक्जी बूस्ट में ये जो डिसीजन ट्रीज होते हैं ना ये थोड़े डिफरेंट होते हैं सो so, हम ग्रेडियंट बूस्टिंग में जो ट्रीज यूज करते हैं ना वो एकदम वेनिला जो आपको साइकिट लर्न में देखने को मिलते हैं जहां पर हम जीनी इंप्योरिटी या फिर एंट्रोपी के बेसिस पे ट्री का कंस्ट्रक्शन करते हैं यहां पर जो डिसीजन ट्री है ना वो थोड़ा अलग है ठीक है और उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू होता है वही मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्सडी बूस्ट रिग्रेशन का टास्क परफॉर्म कैसे करता है तो नटशल में आपको ये बोलना है कि टास्क परफॉर्म करने का जो फ्लो है वो बिल्कुल ग्रेडियंट बूस्टिंग वाला ही है जहां पर आप सबसे पहले एक बेस मॉडल से स्टार्ट करके स्टेज वाइज फैशन में और डिसीजन ट्रीज ऐड करते हो जो हर सबसीक्वेंट राउंड में एरर uh, को करने की कोशिश करता है बट द मेजर डिफरेंस द मेजर ट्विस्ट इज कि ये जो डिसीजन ट्रीज यहाँ पे यूज हो रहे हैं ये डिसीजन डिसीजन ट्रीज नॉर्मल वाले ट्रीज नहीं है यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन ट्री यूज होता है जहां पर एक डिफरेंट क्राइटेरिया के हेल्प से डिफरेंट क्राइटेरिया मतलब जिनी या एंट्रोपी को छोड़ करके एक दूसरा क्राइटेरिया यूज होता है टू कंस्ट्रक्ट द ट्री और आज की वीडियो में हमें वही समझना है कि ये जो अलग सा डिसीजन ट्री है एक्सडी बूस्ट का ये बनता कैसे है काम कैसे करता है सो ये काम करते हैं बूस्ट का डिसीजन ट्री कैसे बनता है ये समझने के लिए हम लोग सेम ये डेटा सेट है इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं एंड यू वुड सी कि हम डिसीजन ट्री को कैसे फॉर्म करेंगे ठीक है तो आ, हम लोग स्टेप वन से स्टार्ट करेंगे स्टेज वन से स्टार्ट करेंगे जहां पे मैंने आपको बताया था कि आप एक बेस एस्टिमेटर लेते हो जो कि मीन होता है ठीक है तो दिस इज द डेटा सेट और आपको क्या करना है सबसे पहले कैलकुलेशन आई वुड जस्ट टेल यू दिस की बिकॉज uh, मैंने हाथ से कैलकुलेशन किए हैं तो हो सकता है कि कुछ एरर्स आ जाए बट कॉन्सेप्ट uh, करेंगे हम लोग ठीक है तो मीन इज कमिंग आउट टू बी सेवन पॉइंट थ्री सेवन फाइव बट हम लोग डेसिमल uh, के बाद एक डिजिट तक ही लेके चलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी तो बेसिकली uh, अगर आप लिखो तो आपके मॉडल वन से जो आउटपुट आ रहा है वो सेवन पॉइंट थ्री है सभी डेटा पॉइंट्स के लिए इट डज नॉट मैटर सीजीपीए कितना है हमारा पहला मॉडल सभी का पैकेज बता रहा है सेवन पॉइंट थ्री एल पी ए Obviously, अच्छी बात नहीं है यू कैन सी दिस इज आर फर्स्ट मॉडल ठीक है तो हमें सबसे पहले यही पता करना है कि हमारी गलती कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू ईच डेटा पॉइंट सो यहाँ पर आई एम क्रिएटिंग वन मोर कॉलम कॉल्ड रेजिडल वन जहां पर हम पहले मॉडल की गलतियां कैलकुलेट करेंगे तो यू कैन सी यहां पर फोर पॉइंट फाइव माइनस सेवन पॉइंट थ्री हो जाएगा टू पॉइंट एट माइनस टू पॉइंट एट इलेवन माइनस सेवन पॉइंट थ्री हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स माइनस सेवन पॉइंट थ्री हो जाएगा माइनस वन थ्री और एट माइनस सेवन पॉइंट थ्री हो जाएगा पॉइंट सेवन तो दिस इज एट द एंड ऑफ स्टेज वन हमारे पास हमारा पहला मॉडल है विच इज अ वेरी सिंपल मॉडल और ये उसकी गलतियां हैं अब हमें क्या करना है कि हमें हमारा ये सी जी पी ए वाला कॉलम लेना है और हमें अपना रेजिडुअल वन वाला कॉलम लेना है और इन दोनों को यूज करके वी हैव टू फॉर्म अ डिसीजन ट्री ठीक है दैट स्पेशल एक्सटी बूस्ट डिसीजन ट्री वी हैव टू फॉर्म डिसीजन ट्री फॉर्म करने के पहले आप क्या करते हो कि आप एक लीफ नोड बनाते हो और आप उस लीफ नोड में अपने सारे के सारे रेजिडुअल्स को रख लेते हो माइनस टू पॉइंट एट थ्री पॉइंट सेवन माइनस वन पॉइंट थ्री और पॉइंट सेवन और आप इस लीफ नोड के लिए एक एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो जिसको हम सिमिलैरिटी स्कोर बोलते हैं जैसे आप जीनीम प्यूरिटी कैलकुलेट करते थे या फिर एंट्रोपी uh, कैलकुलेट करते थे सिमिलरली सिमिलैरिटी स्कोर होता है बूस्ट में सिमिलैरिटी uh, स्कोर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ रेजिडुअल्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिडुअल्स प्लस ठीक है यहां पर हर नंबर एक रेजिडल है तो उनका स्क्वायर करना है उनका सम करके स्क्वायर करना है और नंबर ऑफ रेजिडल से डिवाइड करना है एंड देन इज दिस दिसम्डा एंड दिस इज अ रेगुलराइजेशन अगुलीटर अवाइनो आपके मन में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला आउट ऑफ नोवेर कहां से आ गया तो थोड़ा पेशेंस रखना है आपको ये फॉर्मूला कहां से आया ये मैं आपको आगे के एक वीडियो में बताऊंगा बहुत डिटेल में जब हम एक्सटी बूस्ट का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे और इस लैमडा को भी हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्सटी बूस्ट में थोड़ी देर के लिए हम लोग लैमडा को जीरो मान लेते हैं सो so दैट ये कंसिडरेशन से बाहर चला जाए और अब हम लोग इस लीफ नोड का सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो इसका सिमिलैरिटी स्कोर हो जाएगा माइनस टू पॉइंट एट प्लस थ्री पॉइंट सेवन माइनस वन पॉइंट थ्री प्लस डिवाइडेड बाय फोर बिकॉज नंबर ऑफ रेजिडुअल्स है प्लस बिकॉज़ है ये कैलकुलेशन मैंने कर रखा है ये कैलकुलेशन आता है पॉइंट थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर विच इज समवेयर अराउंड पॉइंट जीरो टू तो बेसिकली जब आप इन सारे के सारे रेजिडुअल्स को साथ में रख रहे हो तो जो सिमिलैरिटी स्कोर आ रहा है ये सारे एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं, ये जो स्कोर आ रहा है दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉइंट जीरो टू अब हम क्या करेंगे कि हम इन रेजिडोल्स को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग करने की कोशिश करेंगे और उस अलग अलग करने के प्रोसेस में हम ये खोजेंगे कि क्या हम इस सिमिलैरिटी स्कोर को बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं ठीक है तो वही हमारा नेक्स्ट गोल है वॉट वी नीड टू डू इज़ वो आपके इस कॉलम के बेसिस पे होगा सी जी पी एस दिस इज योर फीचर तो इस कॉलम के बेसिस पे होगा अब स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या होगा ये बिल्कुल वैसे ही डिसाइड होता है जैसे हम डिसाइड uh, करते थे नॉर्मल वेनिलाइंड आउट द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया यू फर्स्ट Sort this column. So, सबसे छोटा नंबर है फाइव उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट सेवन उसके बाद आता है सेवन पॉइंट फाइव और उसके बाद आता है नाइन पॉइंट जीरो अब आपको अगर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया निकालना है तो आप सबसे पहले इन दोनों के बीच में जाओगे फिर आप इन दोनों के बीच में जाओगे फिर आप इन दोनों के बीच में जाओगे तो यहां पे आ रहा है 5.85 इन दोनों का एवरेज यहाँ पर आ रहा है सेवन पॉइंट वन इन दोनों का एवरेज और यहां पे आ रहा है एट पॉइंट टू फाइव इन दोनों का एवरेज सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं हम एक बार इस क्राइटेरिया पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं फाइव पॉइंट एट फाइव के बेसिस पे फिर हम लोग एक बार इस क्राइटेरिया पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं सेवन पॉइंट वन के बेसिस पे और फिर हम लोग एक बार इस क्राइटेरिया पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं 8.25 के बेसिस पे ठीक है सो so, हमें क्या करना है हमें इन रेजिडुअल्स को स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीस थ्री क्राइटेरियास और फिर इन तीनों में जहां पर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा सिमिलैरिटी स्कोर का वही हमारा रूट नोट बनेगा ठीक है तो आई होप आपको यहां तक सारे कैलकुलेशंस और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे सो गाइस so, यहां पर मैंने मेरा डेटा सेट लिख दिया है जो दो कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड थे सी जी पी ए और रेजिडुअल वन ये हमारे पास है और हमारे स्प्लिटिंग क्राइटेरियाज यहाँ पर है सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हमें अपने तीनों स्प्लिटिंग क्राइटेरियाज के बेसिस पे इस डेटा को स्प्लिट करना है ठीक है और फिर जो लीव्स हमें मिलेंगे उन लीव्स के ऊपर हमें फिर से सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करना है और पता करना है कि हमने कितना सिमिलैरिटी स्कोर गेन किया अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो लेट मी डू इट एंड यू वुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम 5.85 का स्प्लिटिंग क्राइटेरिया ले रहे हैं सो बेसिकली वी आर सेइंग कि इफ द सीजीपीए इज लेस देन 5.85 तो क्या होगा दिस इज द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी जो भी इससे कम वाले रेजिडुअल्स हैं जैसे कि पॉइंट सेवन वो यहां पे आ जाएगा और बाकी के जो तीनों हैं सिंस वो इस क्राइटेरिया को फेल करते हैं वो यहां पे आ जाएंगे टू पॉइंट एट वन पॉइंट थ्री एंड थ्री पॉइंट सेवन अब हमें क्या करना पड़ेगा सिंस अगेन मेरे पास दो लीफ नोड्स हैं एक ये और एक ये मुझे इन दोनों के ऊपर सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करना है ठीक है सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता रखा है uh, सबसे पहले आपके पास जितने भी रेजिडुअल्स हैं आप उनका सम करके स्क्वायर करते हो सो रेजिडुअल्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिडुअल्स जितने उस लीफ में है प्लस लैमडा विच इज अ रेगुलराइजेशन पैरामीटर विच विल बी जीरो इन आर केस क्योंकि हम जीरो लेके चल रहे हैं तो अगर मैं बात करूं लेफ्ट लीव की विच इज दिस वन तो इस केस में एस एल जो होगा सिमिलैरिटी स्कोर ऑफ द लेफ्ट लीव दिस विल बी इक्वल टू सिंस यहाँ पर एक सिंगल रेजिडल है मैं उसका स्क्वायर करूंगा और एक है प्लस जीरो तो दिस विल कम आउट टू बी पॉइंट फोर नाइन ठीक है सिमिलरली अब मैं सिमिलैरिटी स्कोर राइट कैलकुलेट करूंगा तो दिस विल बी माइनस टू पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट थ्री प्लस थ्री पॉइंट सेवन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री तो ये आपका निकल के आएगा पॉइंट वन सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री और यहां पर आ जाएगा आपका This is the similarity score. Similarity score के बारे में आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपके जो residuals हैं, वो वो जितने जितने होंगे, होंगे, आपका similarity score उतना उतना होता होता है, और जितने dissimilar होंगे, वो उतना कम होता है। और कम जैसे यहाँ पर आप नोटिस करो दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं दैट इज वाई सिमिलैरिटी स्कोर कम है वेर एज यहाँ पर एक सिंगल पॉजिटिव है तो सिमिलैरिटी स्कोर ज्यादा है ठीक है तो अब मुझे क्या करना है मुझे ये पता करना है कि जब मैंने इस क्राइटेरिया के बेसिस पे स्प्लिट किया अपने रेजिडुअल्स को तो मेरा गेन कितना था सिमिलैरिटी में तो गेन का फॉर्मूला होता है एस एस एल विच इज दिस क्वांटिटी प्लस एस एस आर विच इज दिस क्वांटिटी माइनस एस एस रूट एकदम जब सारे के सारे रेजिडुअल साथ में थे उस टाइम पे जो आपका सिमिलैरिटी स्कोर था तो हम यहां पे लिखेंगे पॉइंट फोर नाइन प्लस पॉइंट जीरो फाइव माइनस पॉइंट जीरो टू और हमारा आंसर निकल के आ रहा है पॉइंट फाइव टू दिस इज द गेन इतना हमें फायदा हुआ इतना सिमिलैरिटी हम बढ़ा पाए अपने सिस्टम का जब हमने अपने सारे रेजिडुअल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक पार्ट ये था और एक पार्ट ये था बट अभी हमें ये नहीं पता कि क्या यही बेस्ट स्प्लिट है या फिर कोई और स्प्लिट इससे भी अच्छा सिमिलैरिटी का गेन दे सकता है तो वही हम लोग अब निकाल निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे सो नाउ लेट्स फॉर्म वन मोर नोड एंड दैट इज सीजीपीए लेस देन सेवन पॉइंट वन तो बेसिकली हम यहाँ पे स्प्लिट मार रहे हैं इस जगह पे तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे और ये दोनों साथ में हो जाएंगे सो so बेसिकली हमारे लेफ्ट लीफ पे आ जाएगा माइनस टू पॉइंट एट और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन पॉइंट थ्री एंड थ्री पॉइंट सेवन एंड अगेन वी हैव टू फाइंड आउट सिमिलैरिटी स्कोर फॉर लेफ्ट एंड सिमिलैरिटी स्कोर फॉर राइट ठीक है सिंपल फंडा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट सेवन माइनस टू पॉइंट एट का स्क्वाइडेड बाई टू बिकॉज दो रेजिटूबल तो ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए फोर पॉइंट फोर वन डिवाइडेड बाई टू विच विल बी इक्वल टू टू पॉइंट टू जीरो वेर एज यहां पर माइनस वन पॉइंट थ्री प्लस थ्री पॉइंट सेवन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू दिस नंबर विल कम आउट टू बी फाइव पॉइंट सेवन सिक्स डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू टू पॉइंट एट एट अब मैंने पहले भी बोला है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है तो आप लोग प्लीज़ कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस मत करो जो फ्लो है उसको समझने की कोशिश करो अब हम फिर से यहाँ पे गेन निकालेंगे तो गेन हो जाएगा एस एस एल प्लस एस एस आर माइनस एस एस जो हमारे रूट पे था तो यहाँ पे आ जाएगा टू पॉइंट टू बी फाइव पॉइंट जीरो सिक्स दिस इज द गेन एंड यू कैन सी अगर आप इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इस क्राइटेरिया के बेसिस पे स्प्लिट मारोगे तो आपका जो सिमिलैरिटी स्कोर का गेन है वो ज्यादा होगा मतलब दिस इज अ बेटर क्राइटेरिया देन दिस वन आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई अब हम लोग एक लास्ट काम करेंगे जो हमारा थर्ड और फाइनल स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है उसको हम लोग ट्राई आउट करेंगे सो so, कुछ नहीं है हम लिखेंगे इफ CGPA is less than 8.25 अब क्या होगा कि ये तीनों एक जगह चले जाएंगे और ये अपना अलग हो जाएगा तो बेसिकली दिस विल बी द रिजल्ट यहां पर तीन आ जाएंगे पॉइंट सेवन माइनस टू पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट थ्री

अगर हम एस एस आर की बात करें तो ये हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन एंड दिस विल बी इक्वल टू थर्टीन पॉइंट सिक्स नाइन लेट मी क्विकली चेक दिस थर्टीन आई एम सॉरी थ्री पॉइंट सेवन मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट सेवन थर्टीन पॉइंट सिक्स नाइन और डिवाइडेड बाय वन सेम रहेगा तो यहाँ पर अगर आप गेन की बात करो तो गेन हो जाएगा थ्री पॉइंट एट फाइव प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स नाइन माइनस पॉइंट जीरो टू और ये नंबर निकल के आता है सेवनटीन पॉइंट फाइव टू दिस इज द गेन एंड नाउ आई गेस आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो सबसे ज्यादा गेन हमें मिल रहा है वो इस स्प्लिटिंग क्राइटेरिया पे मिल रहा है तो इससे कंक्लूजन ये हुआ कि हमारा स्टेज टू में हम जो अपना डिसीजन टी बना रहे हैं उसका जो रूट नोड है वो होगा सी जी पी एस देन एट पॉइंट टू फाइव दिस विल बी द रूट नोड और इसके बेसिस पे अब यहां पर हम लोग आगे काम करने वाले हैं यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट सेवन माइनस टू पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट थ्री और यहां पे आ जाएगा थ्री पॉइंट सेवन अब हमें क्या करना है इस नोट पे स्प्लिटिंग करनी है यहाँ पे तो हो नहीं सकता हमने सिर्फ एक ही क्वांटिटी छोड़ी है वहां पे। तो अब हम यहां पे स्प्लिटिंग करेंगे तो so गाइज अभी तक uh, का समरी ये रहा कि हमारे पास तीन स्प्लिटिंग क्राइटेरियाज थे और हमारा जो हमने रूट नोड पे स्प्लिटिंग किया वो हमने इस पर्टिकुलर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे किया एंड यू कैन सी आफ्टर द स्प्लिटिंग हमारे पास एक लीफ नोड में uh, ये तीन पॉइंट्स हैं और uh, दूसरे लीफ नोड में हमारे पास ये वाला पॉइंट है ऑब्वियसली अब इस साइड कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी स्प्लिटिंग अब वापस इस साइड होगी और यहाँ पर अब तीन के बदले दो ही पोटेंशियल स्प्लिट्स बच गए एक है फाइव पॉइंट एट फाइव विच इज दिस वन एंड सेकेंड इज सेवन पॉइंट वन विच इज दिस वन तो अब हमें क्या करना है हमें इस जगह पे एक और स्प्लिटिंग करनी है एक रो एक नोड बनाना है ठीक है तो फिर से दो पॉसिबिलिटीज हैं मैंने क्या किया मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज को बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है तो ये एक्चुअली दोनों में ही सेम है ऑब्वियसली ये रूट नोट बन चुका है सीजीपी लेस देन एट पॉइंट टू फाइव का यू कैन सी यहाँ पर हमारे सारे रेजिडुअल्स साथ में हैं और सिमिलैरिटी स्कोर था ठीक है uh, इस स्प्लिटिंग के बाद हम यहाँ, पहुंचे, यहाँ पे थ्री पॉइंट सेवन आ गया यहाँ पे हो गया यहाँ पे हम और ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं कर सकते ये वाले नोट पे अब दो पॉसिबिलिटी है इधर यू कैन स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ फाइव पॉइंट एट फाइव और यू कैन स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ सेवन पॉइंट वन अगर आप फाइव पॉइंट एट फाइव के बेसिस पे स्प्लिट मारोगे दिस लाइन तो ये अलग हो जाएगा और ये दोनों साथ में आ जाएंगे और वही यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉइंट सेवन अलग हो गया और ये दोनों अलग हो गए सिमिलरली अगर आप सेवन पॉइंट वन के बेसिस पे स्प्लिट मारोगे विच इज दिस गाय तो फिर ये दोनों साथ में हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो अब हमें कुछ नहीं करना हमें बेसिकली फिर से सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर यहाँ पर और गेन कैलकुलेट करना है और यहाँ पर और यहाँ पर और फिर से गेन कैलकुलेट करना है जिस केस में गेन ज्यादा होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे वैसे तो अभी तक जितना चल रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा कहाँ पे ज्यादा सिमिलर वैल्यू साथ में है तो कोई बात नहीं फिर भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं इस केस में अगर आप एस निकालने जाओ तो आपको क्या करना है पॉइंट का स्क्वायर निकालना है वन से डिवाइड करना है ये वैल्यू आएगी पॉइंट बाय द वे इस नोड पे आपका जो सिमिलैरिटी स्कोर है वो थ्री पॉइंट एट फाइव है ये हमने ऊपर ही निकाल लिया था इस जगह पे जब ये तीनों रेजिडुअल साथ में थे ठीक है तो वो हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे यहां पर आ जाएगा माइनस टू पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू दिस क्वांटिटी विल बी फोर पॉइंट वन का स्क्वायर दिस क्वांटिटी विल बी फोर पॉइंट माइनस फोर पॉइंट वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सिक्सटीन समथिंग एट पॉइंट फोर जीरो आएगी ये क्वांटिटी ठीक है दिस इज एट पॉइंट फोर ज़ीरो तो अब अगर मैं यहाँ पे गेन कैलकुलेट करूँ तो गेन होगा एस एस एल प्लस एस एस आर माइनस एस 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 पेरेंट वाला जो है तो दिस विल भी पॉइंट फोर नाइन प्लस एट पॉइंट फोर जीरो माइनस थ्री पॉइंट एट फाइव एंड द गेन इज फाइव पॉइंट जीरो फोर जब हमने इस क्राइटेरिया के बेसिस पे सेकेंड स्प्लिट मारा ठीक है सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे एस एस एल हो जाएगा आपका पॉइंट सेवन माइनस टू पॉइंट एट

प्लस वन पॉइंट सिक्स नाइन माइनस थ्री पॉइंट एट फाइव और ये क्वांटिटी निकल के आएगी पॉइंट जीरो फोर तो क्लियरली दिख रहा है कि गेन जो है वो इस वाले केस में ज्यादा है इस वाले के कंपैरिजन में और ऐसे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे ज्यादा सिमिलर क्वांटिटी साथ में है यहाँ पे डिसिमिलर क्वांटिटी साथ में है इसलिए गेन कम हो गया तो जो भी है हमें समझ में आ गया कि दिस इज गोइंग टू बी आर डिसीजन ट्री ठीक है अब आप चाहो तो यहां पर आकर के फिर से स्प्लिटिंग कर सकते हो बट अभी हम और ज़्यादा डीप नहीं जा रहे बिकॉज इवेंचुअली फिर ओवर फिटिंग होने लग जाएगा तो हम लोग बस इतने ही डेप्थ का ट्री बनाएंगे जहां पे हमारा मैक्स डेप्थ होगा टू वैसे एक्सजी बूस्ट में जो डिफॉल्ट मैक्स डेप्थ होता है अगर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हो तो वो सिक्स होता है बट वो बड़े डेटा सेट्स के लिए है हमारे पास बहुत छोटा चार रोज का डेटा सेट है तो दिस इज द डिसीजन ट्री दैट वी आर गोइंग टू यूज ठीक है तो ये रहा हमारा फाइनल uh, अब बस एक चीज बच गई uh, हमें क्या करना पड़ेगा हमें अपने सारे लीव नोट्स का आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है सिंस ये थोड़ा अलग टाइप का डिसीजन ट्री है यहाँ पे लीव का जो आउटपुट वैल्यू है वो भी एक अलग फॉर्मूले से डिसाइड होता है मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ सो आउटपुट वैल्यू फॉर एनी लीफ सम ऑफ रेजिडुअल्स जितने भी रेजिडुअल्स उस लीफ में आके गिरे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिडुअल्स प्लस लैमडा लैमडा इज अगेन द रेगुलराइजेशन पैरामीटर सो अगर आप ये फॉर्मूले को देखो तो ये एक्चुअली बहुत डिफरेंट नहीं है ऊपर जो हमने फॉर्मूला देखा था Uh, यहाँ पर बस एक स्क्वायर आ जाता है बाकी का फॉर्मूला सेम है तो हमें क्या करना है हमें अपने सारे के सारे लीव्स के लिए आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट करनी है जस्ट टू रिमाइंड यू लैमडा का वैल्यू हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं बिकॉज अभी हम रेगुलराइजेशन और ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे सम ऑफ़ द रेजिडल्स में आएगा सिर्फ पॉइंट और नंबर ऑफ रेजिडल्स में आएगा वन तो बेसिकली इट वुड बी पॉइंट ओनली सिमिलरली यहां पे थ्री पॉइंट सेवन होगा डिवाइडेड बाई वन तो वो थ्री पॉइंट सेवन ही हो जाएगा यहां पर थोड़ा है, यहां पर आएगा माइनस टू पॉइंटेड बाई टू ये हो जाएगा माइनस फोर पॉइंट वन डिवाइडेड बाई टू मतलब पॉइंट टू जीरो फाइव इन अ वे एवरेज इज द आउटपुट सिंपल शब्दों में बोला जाए तो अगर रेगुलराइजेशन टर्म जीरो है तो आपका लीव का जो आउटपुट होता है वो एवरेज हो जाता है दैट्स इट हमने एवरेज निकाल दिया ठीक है अब अगेन ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डीप में देखेंगे बट फिलहाल बस आपको याद रखना है कि दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द रिजल्ट सो दिस इज द आउटपुट वैल्यू दिस इज द आउटपुट वैल्यू एंड दिस इज द आउटपुट वैल्यू सो या गाइज हमने हमारा डिसीजन ट्री बना लिया अब एक बार मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि हम क्या कर रहे थे और अब हम किस स्टेज पर हैं सो so, हमारा स्टेज वन का जो मॉडल था विच वॉज द मीन उसको यूज करके हमने प्रोडिक्शंस कर लिए थे और रेजिड्यूल्स निकाल लिए थे अब मेरे पास स्टेज टू का कंबाइंड मॉडल है स्टेज टू का कम्बाइंड मॉडल होगा स्टेज वन का मॉडल विच इज मीन प्लस लर्निंग रेट टाइम्स जो भी आउटपुट निकलता है इस डिसीजन ट्री से ठीक है uh, ये जो लर्निंग रेट है इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं एक्सटी बूस्ट में और इसका डिफॉल्ट वैल्यू पॉइंट थ्री रहता है सो so, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऑफ राइटिंग यू कैन राइट ठीक है ये रेगुलराइजेशन के लिए यूज होता है श्रिंकेज का कॉन्सेप्ट है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल दिस इज द एक्सप्रेशन अब हम क्या करेंगे हम अपने हर डेटा पॉइंट के लिए इस मॉडल के थ्रू प्रिडिक्शन करेंगे सो so, अगर आप फर्स्ट पॉइंट की बात करो फर्स्ट पॉइंट इज सिक्स पॉइंट सेवन तो सिक्स पॉइंट सेवन के लिए इस मॉडल का आउटपुट क्या होगा सेवन पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट थ्री टाइम्स अब हम चेक करेंगे कि सिक्स पॉइंट सेवन का सी कौन से लीफ पे आके गिरेगा तो सी जी पी एज लेस देन एट पॉइंट फाइव दिस इज ट्रू तो हम यहाँ पे आ गए एंड लेस देन फाइव पॉइंट एट फाइव दिस इज फॉल्स तो हम यहाँ पे आ गए तो बेसिकली दिस विल बी द आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू पॉइंट जीरो सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ठीक है तो इस कंबाइंड मॉडल के हिसाब से इस पॉइंट का या इस स्टूडेंट का पैकेज होना चाहिए सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन ठीक है सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ेंगे नाइन पॉइंट जीरो इसका आउटपुट हो जाएगा सेवन पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट थ्री टाइम्स हम चेक करेंगे सी जी पी देन एट पॉइंट टू फाइव फॉल्स हो गया हम यहाँ पे आ गए तो यहां पे आ जाएगा थ्री पॉइंट सेवन और ये आपका आउटपुट आ जाएगा एट पॉइंट फोर वन सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इस बच्चे का पैकेज होना चाहिए एट पॉइंट फोर वन अब हम बात करेंगे थर्ड बच्चे की और सेवन पॉइंट फाइव इसका सी जी पी तो इसका आउटपुट होगा सेवन पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट थ्री टाइम्स एट पॉइंट टू फाइव से कम है तो हम यहाँ आ गए और ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो हम वापस यहाँ आ गए तो ये हो जाएगा माइनस टू पॉइंट जीरो फाइव द आउटपुट विल अगेन भी सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे लास्ट वाले पॉइंट के हिसाब से सेवन पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट थ्री टाइम्स ये पहली वाली चीज़ ट्रू हो गई हम यहाँ पे आ गए और ये वाली चीज भी ट्रू हो गई हम यहाँ पे आ गए दिस इज द आउटपुट पॉइंट सेवन और इस पॉइंट का आपका आउटपुट होगा सेवन पॉइंट फाइव वन ठीक है तो ये हो गए हमारे सेकेंड स्टेज के प्रडिक्शंस अब हम क्या करेंगे फिर से रेजिडुअल कैलकुलेट करेंगे बिटवीन मॉडल टू एंड द पैकेज तो ये करने पे हमें पता चल रहा है कि पहले वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेजिडुअल टू आएगा टू पॉइंट वन नाइन सेकेंड वाले के रेस्पेक्ट में टू पॉइंट फाइव नाइन थर्ड वाले के रिस्पेक्ट में माइनस पॉइंट सिक्स नाइन और फोर्थ वाले के रेस्पेक्ट में पॉइंट फोर नाइन अब अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करो रेजिडुअल्स को जैसे इसको इसके साथ कंपेयर करो तो आप नोटिस करोगे कि पहले पॉइंट माइनस टू पॉइंट एट था वो माइनस टू पॉइंट वन नाइन हो गया ज़ीरो की तरफ जा रहा है रेजिडुअल हमेशा जीरो होना चाहिए जीरो की तरफ जा रहा है मतलब हम सही डायरेक्शन में नज कर रहे हैं मूव कर रहे हैं यहाँ पे थ्री पॉइंट सेवन था ये भी अब जीरो की तरफ जाके टू पॉइंट फाइव नाइन चला गया फिर माइनस वन पॉइंट थ्री ये घट करके माइनस पॉइंट सिक्स नाइन हो गया और ये पॉइंट सेवन ये भी घट करके पॉइंट फोर नाइन हो गया तो जो हमारे चारों के चारों रेजिडुअल्स हैं वो घट रहा है और जीरो की तरफ जा रहा है रेजिडुअल क्या है हमारी गलती गलती जीरो होनी चाहिए तो जीरो की तरफ जा रहे हो मतलब आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कंबाइंड मॉडल है दिस इज परफॉर्मिंग बेटर देन सिर्फ मीन वाला मॉडल विच वॉज स्टेज वन का मॉडल अब हम क्या करेंगे हम स्टेज टू स्टेज टू से स्टेज थ्री पे मूव करेंगे और स्टेज थ्री में आपको क्या करना है आपको एक और डिसीजन ट्री बनाना है इस बार बिटवीन सीजीपीए एंड रेजिडुअल टू और अब आपके पास एक कंबाइंड मॉडल आएगा विच विल बी द मीन प्लस लर्निंग रेट टाइम्स दिस ट्री लेट्स कॉल इट वन प्लस अब हम लोग एक और डिसीजन ट्री बनाएंगे डी टी टू जो हम इस डेटा पे ट्रेन करेंगे और इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे और फिर इस तरीके से कितने डिसीजन ट्रीज बनाने हैं आंसर uh, बहुत सिंपल है आप शुरू में डिसाइड कर लेते हो कि आपके नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स कितने होंगे हंड्रेड होंगे टू हंड्रेड होंगे यू डिसाइड एंड अकॉर्डिंगली यू बिल्ड ट्रीज द गोल इज ऑब्वियसली टू रिड्यूस द रेजिडुअल टूवर्ड जीरो जीरो के बहुत पास पहुंचना हमारा गोल होता है अगर हम जीरो के बहुत पास पहुंच रहे हैं इसका मतलब हमारा जो ओवरऑल कंबाइंड मॉडल है वो सही प्रोडिक्शंस देगा ठीक है तो अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ आपका टास्क बहुत सिंपल है आप क्या करो आप ये सेकेंड डिसीजन ट्री फॉर्म करने की कोशिश करो खुद से कॉपी पेन लेकर के हाथ से कैलकुलेशंस करो इस डेटा के ऊपर आपको सेकेंड डिसीजन ट्री बनाना है सब कुछ बिल्कुल सेम होगा सबसे पहले आप इन चारों रेजिडुअल्स को लेकर के सिमिलैरिटी स्कोर निकालोगे फिर आप क्या करोगे तीन स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे स्प्लिट मार मार के चेक करोगे कि बेस्ट रूट नोड कहां पे फॉर्म हो रहा है फिर नोट कहा सेकेंड डिसीजन ट्री बनाओ जैसे हमने ये वाला बनाया आप डिसीजन ट्री बनाओ बनाने को तो आप कितने भी बना सकते हो बट सेकेंड तक बनाने से आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगा एक और टास्क देता हूं आपको और इसमें थोड़ा रिसर्च लगेगा आपको आपकी साइड से अभी हम जिस डेटा सेट पे काम कर रहे थे उसमें एक सिंगल फीचर था सीजीपीए और एक आउटपुट कॉलम था पैकेज बट वॉट इफ हमारे पास दो या दो से ज्यादा फीचर्स हो, मान लो सीजीपी एक फीचर है और से ट्वेल्थ के मार्क्स भी एक फीचर है टू प्रिडिक्ट पैकेज तो सवाल ये आता है कि जब आपके पास दो फीचर्स हैं F1 और F2, तो फिर ये ट्री का फॉर्मेशन कैसे होगा ये मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा रिसर्च करो ठीक है सेकेंड अगर मल्टीपल फीचर्स है और जो सेकेंड फीचर है वो कैटेगोरिकल है तो क्या होगा कैटेगोरिकल में भी बाइनरी है तो क्या होगा और मल्टी क्लास है तो क्या होगा ये तीन क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं अगर आप आंसर निकाल पाते हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो बट या दिस इज योर टास्क टू फाइंड आउट मल्टीपल फीचर्स के केस में ट्री कैसे फॉर्म होगा और अगर मल्टीपल फीचर्स में से एक फीचर बाइनरी कैटेगोरिकल है या फिर मल्टी क्लास कैटेगोरिकल है तो चीजें कैसे काम करेंगी द गुड पार्ट इज ये बेसिक्स आपने पढ़ रखे हैं डिसीजन uh, ट्रीज में तो आपको थोड़ा रिसर्च करने पे इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा तो हमने काफी डिटेल में एक एग्जाम्पल लेकर के देखा कि एक्सटी बूस्ट एक रिग्रेशन प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करता है I hope ये part आपका clear हो गया। अब वीडियो खत्म करने के पहले एक side note आपको देना चाहता हूं। अभी जो हमने tree building किया, जहां पे हमने किया, पे से tree को बनाया, उसमें मल्टीपल तरीके हैं के। ठीक है? अगर आप ओरिजिनल पेपर पे जाओगे एसी बूस्ट के दिस इज स्क्रीन तो यू वुड फाइंड देर आर टू सेलगोरिदम्स वन ऑफ ग्रीडी एलगोरिदम जो हमने अभी जस्ट देखा जहां पर हम हर स्प्लिटिंग uh, क्राइटेरिया को ट्राई आउट कर रहे थे ठीक है हमने क्या किया हमने सॉर्ट किया सारे के सारे सी जी पी ए वैल्यूज को और फिर हर दो वैल्यूज के बीच का एवरेज निकाल करके हमने सारे क्राइटेरिया टेस्ट किए इसको हम एग्जैक्ट ग्रीडी एल्गोरिदम बोलते हैं यही हमने अभी पढ़ा बट ये इकलौता तरीका नहीं है ट्री uh, कंस्ट्रक्शन का एक और तरीका भी है जिसको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट एल्गोरिदम जहां पर आप सारी की सारी वैल्यूज ट्राई आउट नहीं करते हो आप एक डिफरेंट अप्रोच यूज करते हो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था सो so, कब कौन सा टेक्निक यूज करना मैं आपको बता देता हूँ सो uh, so, अगर आपके पास छोटा डेटा सेट है तो फिर आप एक्जैक्ट ग्रीडी एलगोरिदम यूज करते हो ऑब्वियसली आप सारी चीजें ट्राई आउट करते हो बट लेट्स आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है तो फिर आप ये सेकेंड टेक्निक यूज करते हो तो मैंने प्लान किया है ये सेकेंड टेक्निक एक्जैक्टली कैसे काम करता है ये मैं आपको एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ा दूंगा अच्छे से फिलहाल हमने ये वाला टेक्निक पढ़ा है तो ये बस आपको एक साइड नोट देना था अब जाते जाते आई नो कई क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में फ्लोट कर रहे होंगे जैसे कि सिमिलरिटी स्कोर का फॉर्मूला वही क्यों है जो हमने पढ़ा या फिर आउटपुट कैलकुलेट करने का फार्मूला वही क्यों है जो हमने पढ़ा या फिर ये जो लैमडा होता है इसके बारे में हमने बात क्यों नहीं की तो आई नो ये कुछ डाउट्स या क्वेश्चन या क्यूरियोसिटीज आपके मन में होंगी बट डोंट वरी हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं रेगुलराइजेशन के ऊपर आई मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में पढ़ेंगे और फिर ये जो अप्रॉक्सीमेट वाला मेथड है ये भी हम लोग एक अलग वीडियो में देखने वाले तो डोंट वरी हम लोग सब कुछ बहुत डिटेल में कवर करेंगे एक्सडी बूस्ट बहुत बड़ा एलगोरिदम है बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं रश नहीं करना चाहता मैं बहुत आराम आराम से आपको यह एल्गोरिदम समझाना चाहता हूँ सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज है प्लीज डू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय